टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का फिल्मी पर्दे पर किरदार निभाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को अपने बांद्रा स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सुनकर महेंद्र सिंह धोनी यानी माही उदास और हैरान हो गए। महेंद्र सिंह धोनी के मैनेजर अरुण सिंह पांडे ने इस बात की पुष्टि की। महेंद्र सिंह धोनी के बिजनेस मैनेजर अरुण सिंह पांडे ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा, धोनी बहुत उदास हैं, हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि ये हो गया है। मैं अपना दुख बताते हुए हैरान हूं कि महेंद्र सिंह धोनी पे क्या गुजर रही होगी, माई भी काफ़ी दुखी हैं, ये बेहद दुखद घटना है। भले ही धोनी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया हो, लेकिन उनके करीबी दोस्त अरुण पांडे ने यह जानकारी दी कि सुशांत सिंह केवल 34 साल के थे और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कामयाब करियर उनका इंतजार कर रहा था। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, धोनी के बिजनेस मैनेजर अरुण पांडे ने कहा। मुझे याद है कि सुशांत सिंह को प्रैक्टिस के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी और उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द भी था, लेकिन सुशांत सिंह ने कड़ी मेहनत की और एक हफ्ते के अंदर ठीक हो गए। माई भी सुशांत सिंह को देखकर प्रभावित हुए। बता दें कि कप्तान कूल धोनी की जिंदगी पर आधारित एमएस द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद सुशांत सिंह को जबरदस्त पहचान मिली, उन्हें फिल्मी पर्दे का धोनी भी कहा जाने लगा। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने से खेल की दुनिया में उदासी छा गई है। उसकी आत्महत्या की खबर सुनकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग सहित कई खेल जगत के जुड़े हुए पूर्व और मौजूद खिलाड़ी ने शोक व्यक्त किया। सुशांत सिंह केवल 34 साल के थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।